देवास में रोटरी क्लब सेवा का पर्याय बन चुका है। हर सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना ही रोटरी का मुख्य उद्देश्य रहा है। पल्स पोलियो अभियान हो या कोरोना काल या फिर मोतियाबिंद ऑपरेशन का मामला हो, रोटरी क्लब हर सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब शहर के लिए स्थायी फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत करके इस सेवा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहाँ पर वृद्ध व गरीब लोग नाम मात्र के शुल्क पर अपना उपचार करवा सकेंगे। उक्त विचार मंडल अध्यक्ष गजेंद्र नागर ने रखे। इस सेंटर को संचालित करने के लिए MGM इंदौर से डिग्री लेकर तथा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी सेवाएं देने के बाद अब डॉक्टर तोशी झवर यहां अपनी सेवाएं देंगी। तोशी झवर ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा फिजियोथेरेपी में लगने वाली सभी आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे मरीजों को आधुनिक इलाज मुहैया हो सकेगा। मिलेगी यहाँ पर रोटरी क्लब ने फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू करा है। ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए ज़्यादा कॉस्ट रहती है इस वजह से। तो जो भी गरीब है, जो भी जिनको करवाना चाहते हैं, निःशुल्क रेट पे या मिनिमम रेट पर फिजियोथेरेपी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सारी मशीनें वगैरह है जो भी पेशेंट को लगेगी, बेसिक सारी मशीन है, इसके साथ एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैडम आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर तोशी झवर हूँ, मैंने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया हुआ है। इसके अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में किया हुआ है।